उसके लिए पहले हम आलू और चने को उबालेंगे। जब तक हमारा आलू और चना उबल रहा है तब तक हम यहाँ पर ले लेंगे एक कटोरी सूजी, गुच्छे बनाने का आटा लगा लेंगे एक कटोरी सूजी और आधा कटोरी आटा गेहूँ का और इसे हम पानी डालकर सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट ना हार्ड, मीडियम आटा गूंथ लेंगे और ये हमारा आटा गूंथ के तैयार है। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। ये हम यहाँ पर इमली ले लेंगे पानी बनाने के लिए, जो पानी में फूलने के लिए डालते हैं, बच्चों का पानी बनाने के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे एक घंटे तक। तो अब हमारा आटा तैयार हो गया है, इसमें छोटे छोटे लोग बना लेंगे। सारे आटे को इसी तरह पहले छोटे छोटे गोला कर लेंगे, उसके बाद देखें हम यहाँ बच्चों को बेल लेंगे। आप चाहे तो इसे गोलिया लंबे सीख में बेल सकते हैं। इसी तरह मैं बच्चों बेलूंगी, सारे बच्चों बेलूंगी। बच्चों को तलने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, गर्म हो गया है और एक बच्चे को मैं अंदर डालेंगे। देखिए कैसे ये बनाया हमने, इसी तरह सारे बच्चों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे साथ सारे बच्चों पर तैयार हैं। ये कितने क्रिस्पी टुकड़े बने हैं। अब हम इसका आटा तैयार कर लेंगे।
जो भी आलू उसे हम ठंडा कर लेंगे। उसे डालेंगे बारीक टमाटर, प्याज, हरा मिर्च बारीक कटी हुई धनिया, नमक स्वाद अनुसार, इसमें डालेंगे अपना घर में बना हुआ चाट मसाला, इसमें सभी मिक्स है। अभी इन सबको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। हो गया हमारा तैयार, सबको चुटने से भरेंगे। और इसमें हम डाल देंगे उपली के छिलके,